सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ जाती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ जाती है, अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमतें और बढ़ जाती हैं। दोस्तों, अक्सर हम पढ़ाई या किसी काम से बचने के लिए अलग अलग बहाने ढूंढते हैं। जब हमें किसी काम में सफलता नहीं मिलती तब हम झट से एक्सक्यूज देने लगते हैं। बहाने बनाना उन लोगों की पहचान होती है जिनके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता या फिर वे उसके लिए सीरियस नहीं होते, क्योंकि जिनके पास लक्ष्य होता है उन्हें बहाने बनाने का समय ही नहीं मिलता। उनके मन में बस लक्ष्य तक पहुंचने की धुन सवार होती है। ऐसे ही एक सफल खिलाड़ी की कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिन्होंने मौत को मात देकर पेरिस में अपना जलवा दिखाया। तो आइए जानते हैं उनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में। दोस्तों, हाल ही में पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में योगेश कथुनिया ने भारत को सिल्वर मेडल दिलाया है। इस जीत के बाद योगेश ने कहा कि वह अगले पैरा ओलंपिक खेलों में मेडल का रंग बदलना चाहेंगे। इसी पर योगेश की मां की प्रतिक्रिया भी आई। योगेश की मां के लिए ये मेडल गोल्ड की तरह ही है। 8 साल की उम्र में पैरालाइज होने के बाद महीनों व्हीलचेयर पर बिताने वाले योगेश के जिंदा रहने की उम्मीद उनकी मां को बहुत ही कम थी। इस सब के बावजूद योगेश ने आज देश का नाम रोशन कर अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को चुनौती दी है। आपको बता दें कि टोक्यो के बाद यह उनका लगातार इसी स्पर्धा में दूसरा रजत पदक है। योगेश के रजत को लेकर उनकी मां मीना देवी ने कहा कि योगेश मेरे लिए किसी हीरो से कम नहीं है। उनकी मां ने यह भी बताया कि 8 वर्ष की आयु में जब योगेश कई माह बीमार रहा तो यह भी आशा नहीं थी कि वह जिंदा रहेगा या नहीं। मां ने कहा 3 साल तक व्हीलचेयर पर रहने वाले योगेश से यह आशा तो बिल्कुल भी नहीं थी कि वो एक दिन लगातार 2 पैरा ओलंपिक में रजत पदक हासिल करेगा। योगेश ने पेरिस में भी रजत पदक जीता है, यह मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। योगेश ने पदक चाहे कोई भी जीता हो लेकिन मेरे लिए वह किसी गोल्ड से कम नहीं है। भावुक होकर उनकी मां मीना देवी ने आगे बताया, 2006 में जब योगेश 8 वर्ष का था तब पार्क में खेलने गया था, अचानक गिर गया। बाद में पता चला वह पैरालाइज हो गया। अस्पताल लेकर गए तो जांच के बाद डॉक्टरों ने बताया कि उसे गिलियन बेरे सिंड्रोम हो गया है। जिंदगी का यह वक्त परिवार के लिए सबसे कठिन था। 3 साल खूब मेहनत की, इस दौरान खुद ही फिजियोथेरेपी सीखी, फिर जब योगेश पैरों पर खड़ा हुआ तब कुछ उम्मीद जागी। कॉलेज में पढ़ने लगा तो वर्ष 2017 में एक सहपाठी सचिन यादव की मदद से चक्का फेंक स्पर्धा में खेलने लगा। इस तरह योगेश ने पैरा ओलंपिक तक का सफर तय किया। दोस्तों, योगेश कथुनिया की जीत यह तो साबित करती है कि वे एक कुशल खिलाड़ी हैं, लेकिन इसके अलावा उनकी जीत उन लोगों के लिए प्रेरणा भी है जो जीवन में आने वाली किसी भी कठिनाई से डर जाते हैं और फिर हार कर अपने लक्ष्य को छोड़ देते हैं। अंत में हमें योगेश की कहानी से यह सीख मिलती है कि यदि ठान लिया जाए तो इंसान कोई भी मुकाम हासिल कर सकता है। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए विषय, एक नए वीडियो के साथ।